हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेयर्स इंडिया। फ्रेंड्स, एक विस्की लवर की जर्नी स्टार्ट होती है ब्लेंडेड विस्की से और खत्म होती है सिंगल मॉल्ट पे आके। फ्रेंड्स, सिंगल मॉल्ट्स अपने आप में बहुत ही स्पेशल विस्कीज होती है। एक बहुत यूनिक, बहुत पॉपुलर और फेमस सिंगल मॉल्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका हम आज रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये पीने में कैसी है। ज्यादा इंट्रोडक्शन भी मुझे देने की जरूरत नहीं है। ग्लेनफिडिक एक वर्ल्ड पॉपुलर फेमस सिंगल मॉल्ट विस्की है, लोग इसको पीना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आज जो वेरिएंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये स्पेशल एडिशन है, ग्लेनफिडिक सिलेक्ट कास्क। ये एक ट्रैवलर्स एक्सक्लूसिव एडिशन है, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये मार्केट में उतारा गया है और आपको ये मिल जाएगा ओनली एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री शॉप्स पे। ये एक बढ़िया विस्की है और मैंने ये टेस्ट की हुई है और मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो इस विस्की को प्रोनाउंस करते हैं वो थोड़ा गलत तरीके से करते हैं, मतलब लोग इसको ग्लेनफिडिच बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्लेनफिडिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ये है ग्लेनफिडिक, ग्लेनफिडिक। ये जो विस्की बनाई गई है ये तीन टाइप के कास्क में मैच्योर की गई है। द फर्स्ट वन इज यूरोपियन ओक कास्क, सेकंड इज अमेरिकन बर्बन कास्क, जो एज्ड बर्बन कास्क होते हैं उनमें ये मैच्योर की गई है, और उसके बाद ये रेड वाइन कास्क में मैच्योर की गई है, जिसके कारण इसका जो फ्लेवर है ये काफी यूनिक सा बन जाता है। ये जो विस्की है ये एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरता है जिसको बोलते हैं सोलेरा प्रोसेस। फ्रेंड्स, सोलेरा का मतलब ये है कि एक बड़ा सा कंटेनर रहता है विस्की का, जिसमें विस्की को उतारा जाता है और उसको मैच्योर किया जाता है। लेकिन जब ये विस्की मैच्योर होता है तो उस बड़े से कंटेनर में से ओनली 50%, मतलब आधा विस्की निकाला जाता है और उसको बॉटलिंग करके सेल किया जाता है, बाकी 50% उसी में रखा जाता है। और जब नया विस्की बनता है तो वो नया विस्की उसी कंटेनर में, उसी एग्जिस्टिंग 50% एज्ड विस्की में मिक्स किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसलिए किया जाता है ताकि विस्की का जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो, आपको और डिटेल्स इस प्रोसेस के बारे में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका टेस्टिंग, नोजिंग, पैलेट करके बताऊंगा ये विस्की पीने में कैसा है। सो उससे पहले लेट्स टेक अ लुक ऑन द बॉक्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स। काफी अट्रैक्टिव बॉक्स है और जो ग्लेनफिडिक 12 का जो बॉक्स आता है सेम वैसा ही बॉक्स है, शेप सेम है, ओनली डिफरेंस इज द कलर, ये स्काई ब्लू कलर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्रैवल एक्सक्लूसिव। सो ट्रैवल एक्सक्लूसिव मतलब ये जो है ये विस्की ट्रैवल, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए मार्केट में उतारी गई है और ये एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगी आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स में। फ्रेंड्स, ये जो बॉटल आज मेरे पास है ये 1 लीटर का बॉटल है और इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ जो है ये है 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। यहाँ पे इन्होंने कुछ और चीजें मेंशन की हुई है, जैसे कि यूरोपियन बर्बन रेड वाइन कास्क जिनका यूज किया जाता है इस विस्की को मैच्योर करने के लिए, एजिंग करने के लिए। और बॉक्स के पीछे की अगर बात करें तो कुछ हिस्ट्री दी हुई है इन्होंने, या रीड कर लेना आप जब इस विस्की को खरीदोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट अवॉर्डेड सिंगल मॉल्ट विस्की। सो नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स। ये विस्की मैंने ओपन की हुई है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है विस्की। फ्रेंड्स, अगर बॉटल की बात करें तो काफी प्रीमियम बॉटल लग रही है। इसका जो ओरिजिनल वेरिएंट आता है ग्लेनफिडिक 12 इयर्स, सेम बॉटल शेप है, ये सेम शेप है, ट्रायंगुलर शेप,
काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एस्टेब्लिश्ड 1887 और इसको कॉर्क दिया गया है, सो ये काफी प्रीमियम लग रही है। सो फ्रेंड्स, इसकी एजिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर नहीं दी हुई है, सो मैं आपको बिल्कुल बता नहीं पाऊंगा कि कितना एज किया गया है विस्की। सो दैट्स इट अबाउट द बॉटल, लेट्स पोर इट इन द ग्लास। फ्रेंड्स, कलर की अगर बात करें सो इसका जो कलर है ये लाइट गोल्डन कलर है। सो आप देख सकते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। फ्रेंड्स, इसका जो कलर है इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज किया जाता है। लेट्स टेक इट ऑन द नोज, वेरी गुड हिंट ऑफ कैरमेल टॉफी। वेनिला, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लिटिल हनी, फ्रेंड्स इसमें स्मोक बिल्कुल भी नहीं है। आई कैनॉट सेंस स्मोक इन दिस विस्की। लेट्स टेक इट ऑन द पैलेट, सो आई एम एडिंग लिटिल वाटर। ताकि इसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, ये थोड़ा और एनहेंस हो जाए। लेट्स टेक इट ऑन द पैलेट नाउ, बहुत ही एक्सलेंट। माउथ पे ये एक स्पाइसीनेस देती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको माउथ पे लेंगे, एक स्मूथ सा फिनिश है, थोड़ी स्वीट है, फ्रूटी है, स्मोक बिल्कुल भी नहीं है और टेस्ट में काफी बढ़िया विस्की है। फ्रेंड्स, बर्न भी बिल्कुल नहीं देती। इसका जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में, ये 40% है, सो ये थोड़ी डाइल्यूटेड विस्की ही है। सो ये एक चीज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी है कि ये थोड़ा सा अल्कोहल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए था, एटलीस्ट 42.8% या फिर उससे ज्यादा। टेस्ट में काफी बढ़िया है फ्रेंड्स, आप इसको नीट एंजॉय कर सकते हो, इसको आइस क्यूब के साथ या फिर वाटर में भी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी आप इसको ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके या फिर आइस क्यूब के साथ इसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन आता है ग्लेनफिडिक 12, उसके बाद ग्लेनफिडिक 15, ग्लेनफिडिक 18, 21 भी आता है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है, लोग ज्यादा जो पसंद करते हैं वो है ग्लेनफिडिक 12। फ्रेंड्स, ग्लेनफिडिक 12 मैंने पिया हुआ है और मुझे ग्लेनफिडिक 12 का टेस्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया था। सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ दिस विस्की, मैं इसको रेटिंग दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। प्राइस की बात करें तो आपको ये ड्यूटी फ्री शॉप में मिल जाएगा अराउंड 4,500 के आसपास। टॉक अबाउट सम प्रोज एंड कॉन्स, कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद आई और कुछ चीजों से मैं डिसअपॉइंट हुआ। फ्रेंड्स, अगर प्रोज की बात करें तो इस बॉटल का यूनिक शेप, जो ट्रायंगुलर शेप है, जो मुझे काफी पसंद है, ग्लेनफिडिक का हर एक वेरिएंट इसी शेप में आता है। इस विस्की में कॉर्क दिया गया है, सो कॉर्क ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। और इसका टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट काफी बढ़िया मुझे लगा। ये विस्की बिल्कुल भी स्मोकी नहीं है, फ्रूटी विस्की है, सो इंडियन पैलेट जो है वो फ्रूटी विस्कीज को पसंद करता है, ज्यादा स्मोकी विस्कीज नहीं पीते इंडिया में लोग। सो इंडियन पीपल के लिए ये विस्की मैं रिकमेंड करूंगा, आप इस विस्की को प्रिफर कर सकते हो। सो कॉन्स की अगर बात करें, कुछ चीजों से मैं डिसअपॉइंट हुआ, जैसे कि इस विस्की का जो बॉक्स है या फिर विस्की का जो बॉटल है, कहीं पे भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किया हुआ। सो इसका बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि इसमें क्या यूज किया है, क्या यूज नहीं किया। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इस विस्की में आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज किया गया है, सो दैट इज समथिंग विच यू नो आई फेल्ट डिसअपॉइंटिंग अबाउट। सेकंड चीज मुझे जो अच्छी नहीं लगी इस विस्की की है इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ। इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट वी शुड गेट 42.8% अल्कोहल,
लेकिन इस विस्की में 40% अल्कोहल यूज किया गया है, सो थोड़ा सा डाइल्यूटेड विस्की है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग डिसअपॉइंटिंग। और अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो ये विस्की अवेलेबल है सिर्फ एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी फ्री शॉप्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपने विस्की पिया हुआ है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मोर डिटेल में जानना है कि सिंगल मॉल्ट्स और ब्लेंडेड में क्या डिफरेंस है सो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो ऑफ ग्लेनफिडिक सिलेक्ट कास्ट एडिशन ट्रैवल एक्सक्लूसिव। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक इन अ लिमिट एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। जय हिंद।